हर्षद मेहता इंडिया के जाने माने स्टॉक ब्रोकर थे, जिन्हें द बिग बुल भी कहा जाता है। हर्षद मेहता का दिमाग बहुत तेज था और उनकी मार्केट में पकड़ इतनी तेज थी कि उन्होंने पूरे शेयर मार्केट को हिलाकर रख दिया था। अपने तेज दिमाग के चलते उन्होंने बहुत तेजी के साथ शेयर मार्केट में धूम मचाई और खूब पैसे भी कमाए, जिससे वह शेयर मार्केट के बेताज बादशाह बने। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हर्षद मेहता की मौत कैसे हुई। पुलिस और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक द बिग बुल हर्षद मेहता की मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से उस समय हुई जब वह एक केस में दोषी पाए जाते हैं और उन्हें 5 साल के लिए जेल हो जाती है। जब हर्षद मेहता मुंबई के थाने जेल में बंद थे तो 31 दिसंबर 2001 को अचानक देर रात उनकी छाती में दर्द होता है। तब उन्हें थाने सिविल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन वहां उनकी 47 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हर्षद मेहता की पत्नी का कहना है कि जब हर्षद को जेल में पहला दिल का दौरा पड़ा था तो दौरा पड़ने के 4 घंटे बाद भी उनकी शिकायत को अनदेखा किया गया था। हर्षद ने अपने भाई सुधीर को भी अपने दिल में पेन होने की सूचना दी थी, जो उनके बगल के ही सेल में बंद थे। हर्षद मेहता की वाइफ ज्योति मेहता का यह भी कहना है कि जेल में डॉक्टर्स ने हर्षद मेहता की जांच तो की थी, लेकिन उनके पास दिल का दौरा पड़ने की कोई दवा नहीं थी। उनका कहना था कि जब हर्षद को पहला दिल का दौरा पड़ा था तब पुलिस वाले अगर हर्षद की बात को अनदेखा नहीं करते और टाइम पे इलाज करवाते तो उनकी जान बच सकती थी। इतना ही नहीं, हर्षद मेहता की वाइफ के अनुसार दिल में दर्द होने के बावजूद हर्षद मेहता को रात 11 बजे ठाणे अस्पताल में लंबी दूरी तक पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया, जहां कार्डियोग्राम में दूसरे बड़े दिल के दौरे की पुष्टि के बाद उन्हें तुरंत व्हीलचेयर में ही दम तोड़ दिया। हर्षद मेहता की वाइफ के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद उनके परिवार को ना तो जांच की रिपोर्ट मिली और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई, और ना ही हर्षद के भाई सुधीर को हर्षद को ले जाने के बारे में बताया गया। बस अगली सुबह सुधीर मेहता को पुलिस ने हर्षद मेहता की मृत्यु के बारे में बताया।